हेलो, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूजफुल वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे आपने टाइटल देखा होगा वीडियो का, द बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी मेंस बायोलॉजी ऑप्शन पेपर ए एंड बी। तो काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे डिमांड किया था, सर कि आपका मैंने वीडियो देखा है जो आपने पेपर डाले थे, और आप प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे हम प्रेपरेशन करें, कौन सी बुक है। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लेट हो गया, कुछ मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, कुछ बिजी शेड्यूल था, दैट्स वाई आई कुड नॉट गिव यू द वीडियो टाइमली। सो वीडियो बनाया है, आज मुझे टाइम लगा, तो मैंने जो भी मेरी बुक्स हैं उसको मैंने कंपाइल किया, अरेंज किया, आपको टेबल पे बुक्स सारी नज़र आ रही होंगी। ये बुक्स मैंने अकॉर्डिंगली अरेंज की हैं, फ्रॉम द बेसिक्स टू द ग्रेजुएशन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये आप यहाँ देख सकते हो। तो मेरे हाथ में सिलेबस है, आपका अपना सिलेबस भी आप निकाल सकते हो यूपीएससी मेंस का। तो इसमें हम सीधी बात करेंगे आपके जियोलॉजी के ऊपर। सो सिलेबस आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो रहा होगा। तो जियोलॉजी में पेपर वन एंड टू दो पेपर आते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स का आपको पता ही है, फ्रॉम द यूनिसेलुलर नॉन कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें आपके पॉरीफेरा से लेके सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, उसके बाद एनालिडा, मलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो ये सारे जो फाइलम्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं, इनके विद स्पेशल देयर फीचर्स। जैसे एक एक चीज़ तो मैं बताऊँगा नहीं, सभी आपने देखे होंगे, तो ये टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे पॉरीफेरा में कनाल सिस्टम होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है कनीडेरिया में, प्लेटीहेलमेंथिस में आपके आ जाता है पैरासिटिज्म, और एस्केलमेंथिस में लाइफ साइकिल दोनों के आ जाते हैं, एनालिडा में उनके लार्वे आ जाएंगे, अर्थमोम लीच के बारे में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा काफ़ी बड़ा फाइलम है, इसमें इंसेक्टा के वेरियस क्लासिफिकेशन आ जाएंगी, उसके बाद एपिस के बारे में, टर्माइट्स के बारे में आ जाएगा, और सिल्क बॉम के बारे में आ जाएगा, मलस्का में उसका फीडिंग और टॉर्शन एंड डिटॉर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकाइनोडर्मेटा में उसका वस्कुलर सिस्टम आ जाएगा और उसके लार्वेज आ जाएंगे, प्रोटोकोडेटा, ब्रांकिस्टोमा, हार्डमीनिया, पाइसिस, फिशिस वगैरह में उसकी माइग्रेशन, लोकोमोशन, अम्फीबिया के फाइलम, पेरेंटल केयर, रेप्टाइल में आपके आ जाएगा स्कल का, स्पिनोडोम एंड क्रोकोडाइल, एप्स में रीजन, फ्लाइट एडाप्टेशन, मैमल्स में उसके आपके सारे सिस्टम्स आ जाएंगे, एगले मैमल उनका कंपैरेटिव आ जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे इकोलॉजी, नेक्स्ट इसमें इकोलॉजी, इकोलॉजी के वेरियस कंसेप्ट आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, रिमोट सेंसिंग एरिया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर है, ये आ जाएगा। इकोनॉमिकल जियोलॉजी में आपका आ जाएगा एपिकल्चर, इन्फेक्शियस डिजीज, कैटल्स एंड लाइफ स्टॉक डिजीज, पेस्ट ऑफ शुगर केन, ये सारे आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा बायोस्टैट्स, बायोस्टैट्स में आपके काई टेस्ट आ जाएगा, कोरिलेशन रिग्रेशन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगा, इसमें सेम टेम, पीसीआर, लाइजा, फिश, गिस, ये सारी टेक्निक्स आ जाएंगी। और उसके बाद पेपर टू, पेपर टू में है सेल बायो, सेल की सभी ऑर्गेनेलीज आएंगी। और उसके बाद सेकंड आएगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मेंडेलियन से लेके मॉडर्न जेनेटिक्स सारी, उसके मेथड आ जाएंगे, रैपिड आ जाएगा, एल्फ रैल्फ आ जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स आ जाएगा, और मैनी अदर टॉपिक यू कैन सी ईजली। उसके बाद आएगा एवोल्यूशन, देन द सिस्टमेटिक्स, देन द बायोकेमिस्ट्री, देन द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मेन हम एनिमल मैमल के ऊपर ही बात करेंगे, ह्यूमन के और उसके जो कंपैरेटिव्स हैं, रैबिट आ गया, रैट आ गया, उसकी बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में आएगा डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो ये सिलेबस था साथियों, ये जो सिलेबस मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे इन बुक्स के बारे में, ये आपको टाइटल इजीली यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे। तो मैंने जो बुक्स हैं मैंने तीन रोज़ में यहाँ कलेक्ट करके रखी हैं, ये मोस्ट एडवांस लेवल है, ये ग्रेजुएशन लेवल है, ये बेसिक लेवल है। तो फर्स्टली अगर मैं बायो की बात करूं, बॉटनी चाहे जियोलॉजी हो, उसमें आपको बेसिक्स जो हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं क्लियर करने। तो आपको प्लस वन प्लस टू की जो बुक्स हैं वो फर्स्टली फॉलो करनी पड़ेंगी। तो कुछ मेरे पास कलेक्शन है, और ये जो बुक्स है फर्स्टली आपको दिखा रहा हूँ, ये 10+2 की बुक है,
और ये JBT की है, इफेक्चुअल बायोलॉजी प्लस टू, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप बाय कर सकते हो फॉर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग फॉर द बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है मेरे पास ये है टू मैंस की एलिमेंट्री बायोलॉजी सभी कहते हैं, ये प्लस टू की है, आप आराम से ले सकते हो, KN भाटिया एंड MP त्यागी, बहुत अच्छी बुक है और काफ़ी इसकी सोफिस्टिकेटेड एंड ब्रीफ लैंग्वेज है विद डायग्राम्स। उसके बाद ये सेम बुक है प्लस वन के लिए है और ये एलिमेंट्री की KN भाटिया एंड MP भाटिया की है। प्लस वन में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, काफ़ी फाइलम वगैरह कवर करने होते हैं, फिजियोलॉजी वगैरह, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसके अलावा बात करूँ आप प्रदीप पब्लिशर की बुक है फॉर प्लस वन प्लस टू, वो भी रिकमेंड कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अगर बेसिक्स आ जाएंगे तो आप देन एडवांस लेवल के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये थी बेसिक्स बुक्स। उसके बाद में नेक्स्ट आपको ये जो बुक्स की एक लाइन लगी हुई है, ये ग्रेजुएशन और MSc में मेरी पर्सनल बुक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट यहाँ आपको बुक नज़र आ रही होगी रीना माथुर की, ये एनिमल बिहेवियर की है और जो रीना माथुर हैं वो एक प्रोफेसर हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपको बिहेवियर के, जहाँ इसका इंडेक्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, ये आप आराम से इसे कर पाओगे। तो आई हाईली रिकमेंड फॉर इथियोलॉजी एनिमल बिहेवियर दिस बुक। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास बुक है ये है BC कपूर की, ये BC कपूर की बुक है, 7th एडिशन है, रिवाइज एंड एक्सपेंडेड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी की बेस्ट बुक है ये, और इसमें आपको काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे, ये इंडेक्स दिखा रहा हूँ बुक का, और टैक्सोनॉमी बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी लॉस 38 क्या है, राइज ऑफ टैक्सोनॉमी और जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्पीसीज कंसेप्ट, टैक्सोनॉमिकल कलेक्शन और वर्क क्या है, नॉमनक्लेचर क्या है, काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके साथ मैं आपको एक और बुक बताऊंगा, वो मेरे पास नहीं है, काफ़ी रेयर बुक है वो, और मायर की बुक है फॉर बायोसिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी, वो बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये भी बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर वो नहीं है कोई बात नहीं, इससे आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छा मटेरियल इसमें दिया हुआ है, इसको आप रिकमेंड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एम्ब्रियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बुक है एस चांद की, PS वर्मा एंड BK अग्रवाल की, कोडेट एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी के जो बेसिक्स आइडिया हैं उसको ये हेल्प करेगी आपको स्टडी करने में, और ये मेरे खुद के प्रोफेसर्स ने मुझे दी थी, और ये बेसिक देख सकते हैं आप, इंडेक्स शो कर रहा हूँ आपको, सेलुलर बेसिक्स क्या है, DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस, गोनाड्स, ओजेनेसिस, सोमेटोजेनेसिस, रिप्रोडक्टिव साइकिल, फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, फेट मैप, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरिलेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, असीडियन की, एम्फियोक्सिस, फ्रॉग और चिक की काफ़ी पूछी आती है, और अदर टॉपिक्स ये आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, और बेसिक्स सभी जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का बेसिक्स है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है जियोलॉजी में, बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब अदर जो हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है SARS पब्लिशर की, ये साउथ के राइटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं कुछ, उन्होंने ये लिखी है मिलके, तो ये बुक्स काफ़ी अच्छी है, आसान, सबसे आसान लैंग्वेज इसकी है, कंसाइज में दिया हुआ है विद सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल्स एंड इलिट्रेशन विद डायग्राम, तो ये आप देख सकते हो, डायग्राम अंडरस्टैंड करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है और डायग्रामेटिकली आपको ये हेल्प करेगी विद द प्रेपरेशन, तो इसमें फ्लो चार्ट अच्छे बने हैं और विद डायग्राम ये समझाया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। तो लास्ट में इसका पार्ट माइक्रोबायोलॉजी का है, माइक्रोब्स कल्चर के बारे में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से ये हेल्प करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो बुक है BSc सेकेंड ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी GNDU हिमाचल यूनिवर्सिटी में लगती है और ये प्रदीप पब्लिशर की है, PS धामी एंड JK धामी की, और ये जो बुक है That is for medical geology. Medical geology के अंडर आपके आता है first parasitology, virus, bacteria, diseases क्या हैं इसकी, protozoan की, roundworm, flatworm की, arthropod की, और immune system कैसे काम करता है,
और लैब की टेक्निक्स इसमें मिल जाएंगी जो आपको नज़र आ रहा है इंडेक्स, इकोनॉमिकल एंटामोलॉजी इंसेक्ट के बारे में और एक्वाकल्चर फिशरी की काफ़ी अच्छी बुक है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक आपको नज़र आ रही है ये एक कॉम्बो है और इसमें आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और कलर बुक है ये, डायग्राम इसके कलर दिए हैं, काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है। ये आपको मैं इसका इंडेक्स दिखा रहा हूँ जूम करके, तो आप इसको आराम से देखिए, सभी टॉपिक ये कवर कर रही है। इसके बाद जेनेटिक्स आ गई, जेनेटिक्स के अंडर सारा यहाँ कवर हो रहा है। लास्ट में एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। नेट में आपको ऑनलाइन जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आराम से मिल जाएगी और सभी बुक सेलर के पास ये बुक होती है। उसके बाद ये बुक है मॉडर्न की जियोलॉजी की, बीएससी सेकंड ईयर में आती है, बायोकेमिस्ट्री एंड एनिमल फिजियोलॉजी। और इसमें जैसे रीना माथुर एनिमल बिहेवियर के लिए, तो इसमें एनिमल बिहेवियर के काफ़ी पार्ट्स जो कवर हो जाते हैं। फर्स्ट में इसके आपके पास है बायोकेमिस्ट्री, सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं, और देन न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी मसल की, न्यूरॉन की, और बिहेवियर के बारे में दिया, रिप्रोडक्शन। तो काफ़ी अच्छी ये बुक है, बिहेवियर के काफ़ी पार्ट ये कवर करती है। और बायोकेमिस्ट्री के लिए ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बीएससी लेवल के लिए बेस्ट है। सो नेक्स्ट यहाँ कॉर्डेट्स के लिए बुक है, आप देख सकते हो, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आती है, पीएस दामी और जेके दामी की, और काफ़ी अच्छी बुक है ये। और इसमें आपको प्रोटो कोडेट से लेके कोडेटा, हेमिकोडेटा, यूरो कोडेटा रिप्रेजेंटेटिव, इसका हार्ड मीनिया है, स्पेलोकोडेटा में लेंसलेट्स, ब्रांसिस्टोमा, स्पेलोकोडेटा, और उसके बाद फर्दर रिप्रेजेंटेटिव यू हैं कोडेट्स के, ये मिल जाएंगे। और क्लासिफिकेशंस कोडेट्स की फिशेस के लेके मैमल तक सारा डिटेल में यहाँ मिल जाएगा आपको। उसके बाद स्केल्टल सिस्टम है और देन एवोल्यूशन। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है कंपैरेटिव कोडेट्स एंड एवोल्यूशन को फॉलो करने के लिए, और इसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, और ये बुक आपको आराम से बुक शॉप में मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ग्रेजुएशन में ये बुक ज़रूर पढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक्स थी ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स थी जो मैंने एक साइड यहाँ रख दी है, और प्लस टू से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने आपको यहाँ से करवा दिया। और ये जो बुक्स हैं यहाँ तक भी आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हद तक यूपीएससी में हेल्प मिलेगी। बट एडवांस जो कुछ लिखना पड़ता है, कुछ एडवांस टॉपिक पूछे जाते हैं ऑप्शनल में भी कि आजकल रिसर्च क्या चल रही है, और उसमें कुछ आपको इन बुक्स में नहीं मिलेगा। तो बेस्ट जो हैं एडवांस के लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने जो बुक्स हैं नेट से डाउनलोड करके, कुछ मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे दी थी पीडीएफ, उससे मैंने प्रिंट लेके कंपाइल करके रखा है संभाल के, और एक तरह का ये खजाना है। यहाँ फर्स्ट आपको मैं एंटोमोलॉजी की बुक बताऊंगा, ये देख सकते हैं आप, ये बुक है रस्तोगी पब्लिकेशन की, एंटोमोलॉजी के एलिमेंट्स, ये बुक आप देख सकते हैं, मैंने लाइब्रेरी से लेके इसके प्रिंट आउट लिए थे, और नेट से आराम से ये बुक मिल जाएगी, सस्ती है, 250 की बुक है ये। और इसमें एंटोमोलॉजी के सारे ही एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, विद देयर पेस्ट कंट्रोल, विद कल्चर, एपिकल्चर हो गया, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, और कैसे कंट्रोल करना, सारे कंसेप्ट एंटोमोलॉजी के ये कवर कर देगी अप टू एडवांस लेवल। तो ये आप देख सकते हो बुक। उसके बाद सेकंड जो यहाँ मेरे पास कलेक्शन है ये है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, बीर बाला रस्तोगी, ये भी मैंने लाइब्रेरी से ली थी और फिर इसके प्रिंट आउट लिए हैं, और ये आपको एवोल्यूशन पूरा कवर करेगी, थ्योरीज एवोल्यूशन की। ये ऑलरेडी कलर बुक है, ये प्रिंट आउट लिए हैं इसलिए थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, इसमें जेनेटिक अच्छे से कवर है और थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन और सिस्टमेटिक्स भी काफ़ी हद तक ये कवर करती है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है एमएससी लेवल के लिए, यूपीएससी में भी ये काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये जो बुक है टूल एंड टेक्निक्स की है, विल्सन एंड वॉकर की, कैम्ब्रिज लो पढ़ाई एडिशन, और इसमें सभी टेक्निक्स आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, उसके बाद आपका पीसीआर आ गया, फिर आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया, अलीसा, रिया, ऑल अराउंड टेक्निक्स, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सभी जो टेक्निक्स जियोलॉजी में, अप्लाइड बायोलॉजी में लगती हैं, सभी आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद ये जो बुक है मेरे पास, तीन चार पार्ट्स हैं इसके, एक पार्ट मेरे फ्रेंड ने लिया है, तो ये बुक है लहनिंजर की फॉर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की सबसे बेस्ट बुक ये है, इसको इसकी बाइबल ही कह सकते हो, कुरान कह सकते हो,
और हर एक जो एस्पेक्ट्स है बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का इसने कवर किया है और काफ़ी अच्छी बुक है। आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ फॉर यूपीएससी। और ये जो बुक है ये नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम है ज्योलॉजी का कवर कर पाओगे इससे आप आराम से। ये इसका ही एक पार्ट है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी की बुक है क्यूबे की। क्यूबे की बुक है ये, मैंने पीडीएफ ही लेके अपने प्रोफेसर से प्रिंट आउट लिए थे और काफ़ी महंगी बुक है वैसे ये ओरिजिनल। नेट से आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, इसको कंपाइल कर सकते हो। और नेक्स्ट जो एक चीज़ आती है, वन ऑफ द लास्ट आपको कह सकता हूँ, ये है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी काफ़ी एक एडवांस टॉपिक है। बेसिक मैंने आपको बुक इसकी बता दी थी बीरवाल सॉरी एस चांद की, बी के अग्रवाल की एम्ब्रियोलॉजी की। ये एम्ब्रियोलॉजी सारी कवर करती है और एम्ब्रियोलॉजी में लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या हो रहे हैं। ये 7th एडिशन है मेरे पास, अभी तक इससे 10 से ज़्यादा इसके एडिशन आ चुके हैं। तो ये बुक्स काफ़ी अच्छी है, नेट से आप इसको ले सकते हो पीडीएफ इसके। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहोगे तो ये काफ़ी महंगी बुक है, 8-10 हज़ार की बुक होगी मे बी ओरिजिनल एडिशन। तो इसका कॉपी एडिशन आपको मिल जाएगा 1500-1600 में। तो अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो ये आपको 700-800 में पड़ जाएगी, आराम से ये आप करा सकते हो। तो जो बेस्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको गिलबर्ट से ही मिलेगा, गिलबर्ट के बिना डेवलपमेंट बायोलॉजी अधूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये लॉर्डिस्ट एंड आर्नल की है। इसमें सेल बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट, सेल की फंक्शनिंग, बायोमोलिक्यूल सारा कुछ डिटेल में ये दिया हुआ है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल बुक फॉर यू। ये इसका सेकेंड पार्ट है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ बुक फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन। और यूपीएससी में जियोलॉजी ऑप्शन ए एंड बी पेपर में ये बेस्ट मटेरियल है जो मैंने आपको बताया है। और आपकी डिमांड आ रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं ऑलरेडी ही एक एस्पिरेंट हूँ यूपीएससी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था आई एम मास्टर इन जियोलॉजी सीएसआई या नेट क्वालिफाइड एंड कॉलेजेस में भी प्रोफेसर रह चुका हूँ और करंटली मैं एक लेक्चरर की जॉब कर रहा हूँ स्कूल में। और विद डैट मैं यूपीएससी की ही प्रेपरेशन कर रहा हूँ और मेरे नोट्स हैंड रिटन है जो मैंने अपनी एमएससी में बनाए थे, कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर, कैसे डायग्राम करने। तो अगर आप चाहते हो नोट्स को लेना मुझसे तो मुझे कंटेक्ट कर सकते हो। चैनल के अवार्ड सेक्शन में मेरे ग्रुप के लिंक हैं, वहाँ ऑलरेडी क्लिक करके आप लिंक में चले जाओगे। तो कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने डिमांड की थी यूपी से, मेरठ से, नासिक से, हरियाणा से, उनकी डिमांड के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आप सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को वायरल करना ताकि ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए वीडियो तो आप नेट में स्क्रॉल करके देख सकते हो, मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप प्रेपरेशन इसकी चाहते हो मेरे से तो हम व्हाट्सएप के ऊपर इसकी ग्रुप बैच बना के कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डेडिकेटेड साइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।